इंदौर बाणगंगा क्षेत्र में एक उद्योगपति को ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज की गई थी। उद्योगपति से एक महिला और पुरुष लगातार ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, जिसके तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल क्षेत्र के ही रहने वाले उद्योगपति अमित चावला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सुधीर जायसवाल उसकी एक महिला मित्र सीमा द्वारा लगातार ब्लैकमेलिंग की जा रही है। सूचना की तस्दीक करने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक महिला द्वारा पहले भी दो लोगों पर छेड़छाड़ व 376 का मामला दर्ज करवा चुकी है। उसी के आधार पर यह महिला और उसका साथी सुधीर जायसवाल लगातार उद्योगपति के साथ ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने आज मामला दर्ज कर आरोपी सुधीर जायसवाल को गिरफ्तार किया है। वहीं इसकी महिला साथी अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। सर, जायसवाल को लेकर क्या मामला दर्ज हुआ? देखिए, ये दोनों इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मिस्टर अमित चावला हैं, ये भी इंडस्ट्री चलाते हैं, और सुधीर जायसवाल हैं, ये भी इंडस्ट्री चलाते हैं। अमित चावला ने हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की थी, उसके आवेदन की जाँच भी वरिष्ठ स्तर पर की गई, और उसमें जांच उपरांत पाया गया कि अमित चावला की रिपोर्ट पे सुधीर जायसवाल और एवं अन्य दो हैं, एक सीमा शर्मा हैं और एक कमल गौड़ हैं, इनके विरुद्ध धारा 384, 385, 386, 389 और 120B का एक्सटॉर्शन का मामला पाया गया। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभी उनको मिस्टर सुधीर जायसवाल को भी थाने में बुलाया गया, हिरासत में उनको लिया गया, पूछताछ की जाएगी उनसे, तो उसके हिसाब से जैसी कार्रवाई होगी की जाएगी। सर, किस प्रकार की प्रताड़ना है इसकी? कुछ है इनका किसी प्रकार का एक्सटॉर्शन, पैसे का लेन देन या और उसमें शोषण करना टाइप की बात है। कि कोई केस होगा पुराना, उसको केस को वापस लेने में पैसा मांग रहे होंगे, इस टाइप का कुछ मैटर है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।